Rajasthan, which brings film lovers and filmmakers together to enable exchange of information and single window solution for film industry. The clubs aim to do creativity through years around activities which are like film festivals, film screenings, workshop, knowledge series, shooting locations and equipments and auditions, master classes, film bazaars, interaction with leading filmmakers and technicians and actors. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सिनेमा की जब बात आती है तो निश्चित रूप से सिनेमा एक ऐसी चीज़ है कि जो हम कभी सपना देखते हैं, हमारे मन में कोई विचार होता है, हम ये सोचते हैं कि कभी हमारी दुनिया ऐसी होती तो उस दुनिया को अगर कभी हम पर्दे पर देखना चाहें तो कोई फिल्म ऐसी होती है, कोई कहानी ऐसी होती है जो हमारी मन की कहानी को उस पर्दे पर उतार देती है। हमने कोशिश की है कि हमारा फिल्म क्लब सिनेमा की बात करे, सिनेमा के लिए जितने संसाधन हम लोग जुटा सकते हैं उन पर बात होगी। सिनेमा का कोई भी छोटा या बड़ा पहलू होगा, निश्चित रूप से वो आपको इस फिल्म क्लब में मिलेगा। और हमारी कोशिश होगी कि तकनीकी प्रावधान, शूटिंग लोकेशन, यहाँ के जितने किरदार हैं, तमाम जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उन सबको एक मंच पर साझा करके हम कुछ अभिनव, कुछ नया और दुनिया को संदेश देने वाला कुछ प्रस्तुत करें। धड़क फिल्म आप देखेंगे 99.999% शूट अपने राजस्थान में हुई है। सिंपली जयपुर। What do you like most about the movie? The particular scenes that you like most? That concept, the storyline and the acting. And I think about them, you grew up in a film based in Pakistan. You hear the music, you hear the, you know, all this beautiful landscape of Pakistan. And I think that because the child like very nice. I remember when I was little, I used to see very sad, you don't have to see the red thing. So it's make the kids understand the color. Color is that. So do you think these kind of movies we should have to show time to time so that it promotes our culture? I think this kind of movies, people should see this kind of movies, you know. You could see the movie, come out and it makes you have dreams, which is wonderful. Can you say a few lines in Hindi for screening? Wonderful. I'm very, very fond of Anshu and Hannah. They are the most wonderful people. I got surprised to have understood the new fellow. Wonderful. I want to tell you of the story, music, of the folklore, of the Sindh that she loves people in a Sindh way. So I would like to give them my heartfelt thanks and congratulations. In fact, ma'am, we would also like to thank you that you are part of it. We our team, we would like to personally thank you for it. No, any time for you. Because I'm very proud of you. Thank you. Congratulations. I'm sure this movie people will see it. They should see it. It's absolutely wonderful.
मूवी वॉज रियली ऑसम एंड आई रियली लाइक इट. बच्चों की तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी और मैं अंशु और सुविंद्र जी को बहुत बहुत थैंक्स करूँगी कि उन्होंने हमारे सिद्धम संस्था के बच्चों को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी. उन्होंने इस तरह के मॉल नहीं देखे, इस तरह की मूवीज नहीं देखी और इस तरह की इनको एक देखने का मिला कि किस तरह स्ट्रगल करके कहाँ पहुँच सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत ही अच्छी मूवी थी, इतना टचिंग थी, हार्ड टचिंग थी. ऐसे इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है. बड़ी बात था कि मूवी में ऐसा लग रहा था कि मैं उन लोगों को क्यों नहीं इन्वाइट कर सकी. आपने मालूम नहीं था कि इतनी अच्छी मूवी थी, मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत बच्चों को ला दी जो मेरे को भी अच्छा लग रहा है. मैं उनको दिखा दी ऑनलाइन सब जी का और मेरे पूरे ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया. मैं बहुत कम देखने को मिलती है. मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी इस फिल्म को देखेगा वो अंदर अनुभव करेगा कि क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है. और मैं आज अपने पड़ोसी लड्डा साहब है ना, उनके बेटे जो सन्न लो, उन्होंने जो सुंदर मूवी बनाई उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ है ना. और ये चाहती हूँ बार बार बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखें और मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं जरूर देखूँगी. बहुत अच्छा शो लगा. ऐसी कहानी लगी जैसे मेरे घर के पास ही कोई ऐसी घटना घटित हो रही है. I don't know the words. It was so touching, so beautiful, and so homely. It's a family drama which I have never seen ever. Full of entertainment, educative, and what not. I think with two small children, the film has covered everything. मैं मनीषी दास एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर सेक्रेटरी हूँ जो कि थैलेसीमिया और मानसिक बीमारी बच्चों के लिए हम वर्क कर रहे हैं. बच्चा है जो कि मानसिक विमंडित बच्चा है. इसको ये पिक्चर देख के आज इतना अच्छा लगा, इसकी आंखों में आंसू देखकर ऐसा लगा कि ऐसी पिक्चरें बनती रहनी चाहिए. और अगर हम ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, आवाम को एक मोटिवेशन दे सकते हैं, तो हम सबको मिलकर इन बच्चों के लिए सहयोग करना चाहिए. आई एम वेरी वेरी हैप्पी आज हमने इनके पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया है. ये बच्चा ऑलवेज हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है और आज इस बच्चे ने मुझे जब ये बोला कि मैम क्या मुझ पर भी ऐसी पिक्चर बन सकती है, तो मुझे इसकी बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई. हम जरूर कोशिश करेंगे अगर हम एक साथ रहे तो इस तरह की मूवीज बना सकते हैं. प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, सब कुछ वंडरफुल वंडरफुल मूवी और लोगों को देखकर जरूर मोटिवेशन मिलेगा और सरकार को इसको टैक्स भी जरूर कर. थैंक यू. मूवी पर अच्छी थी, एक स्पेशल बॉन्ड दिखाया ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में और दिखाया कि बहुत सारा प्यार है और मतलब एक दूसरे की कितनी केयर कर रहे हैं और मतलब इसमें दिखाया कि हाँ तुम ना मतलब हमेशा नेगेटिव मत लो कि हाँ हर कोई बुरा होता है, एक पॉजिटिविटी लेके चलो कि हाँ मतलब सब लोग हेल्प कर रहे हैं. और सर बहुत अच्छी लगी और एक एक बच्चे हम लोग सनशाइन ऑफ एनजीओ से हैं और आज देखा कि बच्चे बड़े प्रफुल्लित थे और एक अलग हट की मूवी है जिसमें बच्चे खुशी भी थे, कभी आंसू आ रहे थे, कभी खुशी थी. लग रहा था कि ये मूवी एक अलग हट के है जो कि काफ़ी अच्छा अच्छे लॉन्ग टाइम तक चलेगी. और हम लोग बच्चे शायद इस बार तो आप लोग ने बड़े प्यार से ही बच्चों के लिए कर दिया और हम लोग बच्चों को वापस लेके आएंगे और काफ़ी बच्चों को, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मैम एक बार से पेट नहीं भरा वापस देते.